बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर पीटीएम बहाली का ऑप्शन मेज पर रख दिया। कहते हैं ऑपोजिशन आए मिलकर शिकार करें, पहले बुज़दार फिर इमरान को घर भेजें, जरूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ से भी बात करूंगा, ना माने तो तब अकेला ही काफी हूं। इमरान खान सिंध में सियासी यतीम इकट्ठे कर रहे हैं। सिंध में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी ना बाजार खुलेंगे, हर किस्म के रिटेल के कारोबार बंद रहेंगे, सेहत से मुतालिक शोबे खुलेंगे, किराना बेकरी सब्जी और गोश्त की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी, होटल से सिर्फ डिलीवरी की इजाजत होगी, बैंक स्टॉक एक्सचेंज बरामदी सनद बंदरगाह और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे, इम्तिहानात 1 हफ्ते तक मुलतवी। पाबंदियाँ शौक से नहीं लगाई, मुराद अली शाह का नाकदीन को जवाब, 3 हफ्ते तक लाहौर में कर्फ्यू लगा रहा, किसी ने एतराज नहीं किया, मस्जिद दरगाह दुकानदार और सनतकार कहते हैं यहाँ केस नहीं तो फिर कोरोना कैसे फैल रहा है, वजीर आला का आवाम से तल्ख सवाल, ताबून की अपील भी कर दी। हमारा कारोबार क्यों बंद किया, हुकूमती फैसले से ताजिर बरादरी नाखुश, सिंध हुकूमत का फैसला मानने से इनकार, कहते हैं लॉकडाउन से छोटे ताजिर मजीद मुतासिर होंगे, हुकूमत हमारी मुश्किलात में इजाफा ना करे। या अल्लाह रहम, कराची में कोरोना केसेस की शरह 24% पर आ गई, सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा, एनसीओसी का सूरत हाल पर इजहार तशवीश, हर मुमकिन मदद का फैसला, सिंध में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे, अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स बढ़ाए जाएंगे। हुकूमती इकदाम के खिलाफ अदालत जाना वकील को महंगा पड़ गया, सिंध हाईकोर्ट ने 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया, इन सजादाते कोरोना जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद, जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना से मुतासर शख्स चलता फिरता बम है, अपने साथ 200 लोगों को मुतासर कर सकता है। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर तेल छिड़क दिया, 1 अगस्त से पेट्रोल 1.71 रुपये मजीद महंगा मिलेगा, 10 रुपये इजाफे से एलपीजी की कीमत 180 रुपये फी किलो हो गई, घरेलू सिलेंडर 2110 और कमर्शियल सिलेंडर 8,080 रुपये तक पहुंच गया। कुर्बानी के बाद भी आवाम की जेबों पर छुरी चलाई जा रही है, हफ्ते के दौरान आटा चावल चीनी और घी मजीद महंगा, दूध टमाटर और प्याज समेत 23 अशिया महंगी, गरीबों के लिए महंगाई की शरह 15.5% रही। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की ख्वाहिश है, अमन अमल को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे, आर्मी चीफ का दुश्मनों को 2 टोक पैगाम, जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया वफ्द की जीएचक्यू में मुलाकात, आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चल्लास और दियामिर में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और बाबूसर नारान हाईवे बंद, सयाह फंस गए, स्कर्दू में सैलाब ने गांछे में तबाही मचा दी, दरियाए चनाब में सैलाब से चन्योट के कई इलाके जरियाब, झंग की 8 बस्तियां भी डूब गईं।